नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नहर टूटने या और फ्लो होने के कारण होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। जी हां, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ ने बैठक के दौरान कहा है कि किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए और इसी दिशा में पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए गत वर्ष फसलों की आगजनी को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया था और अब नहर टूटने और ओवरफ्लो होने के कारण होने वाले फसलों के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। इसके अलावा बाढ़ से अगर किसी किसान का नलकूप खराब हो जाता है तो उसके लिए भी सरकार शीघ्र ही एक नीति बनाएगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओपी धनखड़ ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए और इसी दिशा में पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना में शामिल आलू, टमाटर, गोभी और प्याज के लिए एक एक रुपये भरपाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। आलू व टमाटर में यह 4 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये तक तथा गोभी व प्याज के लिए 6 रुपये से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले वर्ष भावांतर भरपाई योजना के तहत 10,579 एकड़ रकबे को कवर किया गया था और 4,435 किसानों के पंजीकरण करवाया गया था जिन्होंने लगभग 12 लाख रुपए की भरपाई की गई। इस तरह दूसरे वर्ष 20,340 किसानों ने 66,250 एकड़ का पंजीकरण करवाया तथा उन्होंने 9.40 करोड़ रुपए की भरपाई की गई। इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये हम दे चुके हैं, हाँ, पिछली खरीफ तक का है, इस रबी का नहीं है। इसमें ये जो रबी अभी गेहूं वगैरह आया ये नहीं है, वहाँ तक का ये 1,846 करोड़ है। अभी जो खास बात है जो हमारे समय में शुरू हुई 2018 से हमने उसमें आगजनी को भी ले लिया है। आग जो लग जाती है खेतों में, आग जली, ये आपदा में आग भी शामिल, आग को शामिल किया आपदा प्रबंधन वाले राहत में। वो आग का जली का जो भी शिकायतें आई, जो रिपोर्टें मिली, उसकी जो है मुआवजा हमने देना शुरू किया है। इस साल से हमने पहली बार हम देंगे नहर टूटने या ड्रेन ओवरफ्लो होने से। नहर टूट जाती है, फसल का नुकसान हो जाता है। ये अभी तक नहीं था। ये नहर विभाग के जुम्मे लगाया है, तो नहर विभाग इसको देना, उन्होंने पहली इसकी राशि अप्रूव कर दी है और शायद 10-15 दिन में पहले चेक इसके हम दे देंगे। एक है पिछली रबी के समय का है और, लेकिन इसको वहाँ से निकाल के लाने में जो भी समय लगता है चीज़ों को मैच्योर कराने में, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें स्वीकार होके पॉलिसी बन के अब उसको मान लिया है कि कहीं भी ऐसा अगर नुकसान होता है तो हम। इसी तरह से हमने 18 से सब्जी किसानों को वो आलू गोभी प्याज टमाटर इनको कवर करना शुरू किया और 4 और 5 रुपये हमने उनको 400-500 रुपये क्विंटल या 4 या 5 रुपये किलो इस भाव से हमने जो है कि जो भी भावांतर भरपाई योजना इसको नाम दिया था कि जो भी उसका गैप होगा वो हम पे करेंगे। पहले साल हम पूरे हरियाणा का औसत लेते थे, लेकिन नेक्स्ट सीजन में हमने आसपास के 5-4 मंडियों का औसत लेना शुरू किया। तो पहले साल में हमारा शुरू हुई थी तो उस नाते से किसान भी कम रजिस्टर्ड हुए थे और कंपनसेशन भी कम गया था। फर्स्ट फेज में 10,789 किसान रजिस्टर्ड हुए थे, नहीं, एकड़ रजिस्टर्ड हुआ था और 4,435 किसान रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन जब दूसरे उसमें हम आए तो हमारे एकड़ हो गए 66,350
और किसान भी हो गए 20,304 पाँच गुना एक तरह से बढ़ गया। और पहले साल में हमने बहुत मामूली सी एक तरह से राशि हमने दी थी 12 लाख की, लेकिन इस दूसरे बार में हम 9,40,00,000 रुपए वो दे चुके हैं। पहले बजट भी हमने थोड़ा रखा था क्योंकि ज़रूरत भी हमको उतनी महसूस नहीं होती थी 5 करोड़ का, अभी बजट भी इसमें हमने 25 करोड़ का रख लिया है। और आज की जो खास बात है जो बताने की वो ये है कि हमने जो शुरू में 4 और 5 रुपए लिए थे अब 1-1 रुपया बढ़ा दिया है, 5 और 6 रुपया आलू और टमाटर के किसान के लिए 5 रुपया, गोभी और प्याज के किसान के लिए 6 रुपया, 1-1 रुपये की बढ़ोतरी अब इसमें आगे से कर दी गई है। ये जो है कि अब उनको पर क्विंटल 500 और 600 रुपये के हिसाब से वो गैप में मिलेगा, तो उस किसान को हमने और ज़्यादा उसमें सुरक्षा। मैं इन सारे उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि जोखिम प्रबंधन में हमने भारत में सबसे अच्छा काम किया है किसान के, और उसकी डिलीवरी भी उस प्रकार से वो किसानों को की है, यानी किसान को जोखिम फ्री बनाने में हमने कोई पहलू अब तक जो ध्यान में आया उस पहलू को अभी छोड़ा नहीं है। एक विषय पर अभी हमको और जाना है, जब ये चीज़ें घटित होती हैं तो कुछ उपकरणों का नुकसान होता है, आगजनी में भी होता है और फ्लड में भी होता है। तो जब फ्लड और आगजनी में मान लो उसका ट्यूबवेल बेकार होता है या उसकी कोई और मशीनरी बेकार होती है, तो उस पर हमको अभी काम करना है। वो हमारी आगे की योजना में है कि इन कारणों से अगर किसान का मतलब लाखों लोग पे लगा के वो अपना ट्यूबवेल का सिस्टम बैठाता है और बाढ़ आ गई है और सब उसके अंदर बहुत दिन तक रह गया है तो किसी काम का नहीं रहा है, उसकी मोटर वोटर सब सिस्टम जो है, इसी तरह से आग में सब चीज़ें जल जाती हैं, तो उस पर भी और अभी एक सरकार का चिंतन चला है। ये इस बार की आगजनी के समय किसानों की मांगें ये आई कि आप बाकी सब तो अच्छा कर रहे हो लेकिन हमारा जो ये नुकसान हो रहा है तो इस पर भी हम नीति बनाकर और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आमंत्रित किया था कि एक विषय में हरियाणा में हम भारत में सबसे अच्छे हैं नंबर वन, और उसमें आप लोगों ने भी बाकी राज्यों से हमारा अध्ययन करना चाहिए, और उसमें हमारी 3 योजनाएं हैं जिसके कारण से हम भारत में सबसे अच्छे इसमें बने हैं। उसमें एक योजना है जो किसानों को हम 12,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के आपदा प्रबंधन के फंड से। ये जब भी नुकसान होता है तब तब देते हैं, और अभी तक हमारी सरकार के कार्यकाल में 2665 करोड़ रुपया उसमें हम दे चुके हैं। कितने किसानों किसानों का नंबर तो मुझे लेकर देना पड़ेगा, राशि मुझे जवानी याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बड़ी जो है फसल बीमा योजना, उसमें भी 1,846 करोड़ रुपया